हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक महीने के शिशु के लिए क्या सावधानियां और देखभाल कर सकते हैं। बेबी केयर यानी शिशु की देखभाल करना। हमेशा हमें शिशु को लेने से पहले हमारे हाथ अच्छे से धोने चाहिए, नहीं तो सैनिटाइज करने चाहिए। और जब हम उसे उठाते हैं तब उसके सर को और गर्दन को हमें सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि एक महीने के शिशु को अभी तक उसके सर का कंट्रोल नहीं आता, इसलिए हमें अच्छे से उसे सपोर्ट देके ही उठाना पड़ता है। फीड फ्रिक्वेंटली यानी एक महीने के शिशु को कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद दूध देना चाहिए, और पूरे दिन भर में उसे कम से कम 8 बार तो दूध देना ही चाहिए। हमें उसके नींद के संकेतों को समझना चाहिए और उसे उतने देर तक सोने देना चाहिए। समझो एक आधा बच्चा 3 घंटे सोता है और उसके बाद दूध पीता है, तो उसे बीच में मत उठाइए, उसकी उतनी नींद कंप्लीट होने दो और बाद में ही उसे दूध पिलाइए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी बात है कि बर्पिंग बेबी यानी बेबी का डकार निकालना, जब वो दूध पीता है तो उसके साथ वो एयर भी अंदर ले लेता है, तो पेट में कुछ गैस जैसा होता है, तो वो दूध पीने के बाद कंफर्टेबली सो नहीं सकते। आप जब उसका डकार निकालोगे तो वो आराम से सो जाएंगे। तो मैंने इधर 3 पोजीशन बताई है डकार निकालने की। 1, ऑन योर शोल्डर, मतलब आप शोल्डर पे बेबी को ले और उसके पीठ को अच्छे से रब करें और थपथपाए तो डकार निकल जाएगी। 2, उसके फेस को डाउन यानी नीचे करें और आपके लैप पे बेबी को रखें और उसका फेस डाउन की तरफ रखें, उसके पीठ को थपथपाए तो उसका डकार निकल जाएगा। 3, सिटिंग अप यानी आपके लैप पे उसे बैठाने जैसा कीजिए और उसके पीठ पर आप थोड़ा मसाज जैसा कीजिए और थपथपाए तो उसका डकार निकल जाएगा। डायपरिंग योर न्यूबॉर्न यानी बेबी का टाइम टू टाइम डायपर चेंज करना चाहिए, और हमेशा नया डायपर पहनते समय उससे पहले उसे रैश क्रीम लगा लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे रैश क्रीम अवेलेबल है। मैं मेरे बेबी के लिए हिमालय का रैश क्रीम यूज़ करती थी, और आप क्लॉट डायपर यूज़ करते होंगे तो हमेशा ये बात याद रखना कि आप फ्रेग्रेंस फ्री डिटर्जेंट में ही उसे धोएंगे। ड्रेसिंग कंफर्टेबल यानी बेबी का हमेशा ड्रेस सुपर सॉफ्ट फैब्रिक का होना चाहिए, और जब आप मार्केट से उसके लिए ड्रेस खरीदोगे तो हमेशा ये याद रखना कि वो फैब्रिक स्ट्रेची होना चाहिए, वाइड नेक होना चाहिए, और उसके स्लीव्स और एंकल्स बहुत लूज होने चाहिए, और गारमेंट के हमेशा बटन और जिप पर सामने से ही होने चाहिए। नेल ट्रिमिंग यानी बेबी के नेल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसे टाइम टू टाइम कट कर ले। नो स्मोकिंग इनसाइड होम यानी घर में कभी भी स्मोकिंग मत करें। आप बाहर से करके आए तो पहले वो कपड़े धोने को डाले। शिशु की सेफ्टी, ये तो हमारी प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। हम जब उसे क्रीब में सुलाते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट न रखे, और मेडिकल केयर यानी उसका वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए। उसे हमेशा हाइजीनिक ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूर ही रखना चाहिए। प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ, बेबी अच्छे से सोता नहीं होगा, दूध भी पीता नहीं होगा, और हमेशा से बहुत ज़्यादा रोता होगा, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा। शिशु आंखों पे बहुत रोशनी पड़ने पर भी उसके आंखों को ब्लिंक नहीं करता होगा, कोई रिस्पांस नहीं देता होगा, और उसके हाथ और पैर बहुत ही धीरे से हिलाता होगा, और कभी जोर का आवाज़ आने पर भी वो रिएक्ट नहीं होता होगा, तो आपको उसे डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा। अगर आपका शिशु रोता नहीं होगा तभी भी उसके निचले जबड़े में लगातार कांपने जैसा दिखता होगा और उसके कुछ अंगों में अत्यधिक ही ढीलापन दिखता होगा, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। एज अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपको शिशु के लिए क्या क्या करना चाहिए।
स्पेशली हमें शिशु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसे कुछ स्टोरी सुनानी होगी, बातें करनी होगी, कुछ गा के दिखाना होगा, मतलब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन से वो हमारे साउंड को और वर्ड्स को फैमिलियर हो जाएगा। प्ले विथ योर न्यू बॉर्न, यानी हम उसे कुछ फन एक्टिविटीज़ करके दिखा सकते हैं, जैसे कि पिकअबो जैसे गेम। इससे क्या होगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में जल्दी मदद हो जाएगी। बेबी मसाज करने से उनके बोन स्ट्रांग होते हैं और उसके साथ उनका हमारे साथ एक बॉन्ड भी बन जाता है। बेबी को टमी टाइम देना चाहिए, पूरे दिन में से 1 से 5 मिनट तक उन्हें टमी पे रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनके सर और गर्दन का पार्ट बिल्ड होने में मदद होती है। कभी कभी बच्चा एक प्लेस एक रूम में रह रहे के बहुत बोर हो जाता है, तो आपको उसे डिफरेंट कलरफुल प्लेसेस पे लेके जाना चाहिए, तो उसे अच्छा लगता है। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा भूखा तो नहीं है ना, बच्चे की नींद पूरी हो गई है क्या, वो बोर तो नहीं हो रहा होगा, उसका डायपर तो फुल नहीं हुआ होगा। इसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।